फेस्टिव फ्रेम, फेस्टिव को फ्रेम में लेके आओ, मुझे थोड़ा सा मेरा मुंह गीला कर देना प्लीज। आप देख रहे हैं इमरान खान को दुनिया न्यूज से खसूसी गुफ्तगू उनकी। इमरान खान को आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे ऑपरेशन थिएटर में। ठीक है, तैयार हो मेरे पाकिस्तानियों। 17 साल मैंने अपनी जिंदगी के पाकिस्तान के लिए लड़ा हूं, जो मैं कर सकता था मैंने किया है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी लें, अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 5 साल जैसे गुजारे हैं, अगले 5 साल आप ही बर्दाश्त कर सकेंगे। इमरान खान तो बर्दाश्त कर लेगा, आप नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ, जितना मैं कर सकता था मैंने किया अपने मुल्क के लिए। ये मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, अल्लाह ने दिया मुझे इतना ज्यादा। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी कौम के लिए कुछ करूँ। अब मैं चाहता हूँ कि हम सब पूरा जोर लगाएं अपनी जिंदगी बदलने के लिए। 11 को इसको अपनी जंग समझना, मेरी जंग नहीं है, सिर्फ मुल्क की जंग है। अपने आपने तकदीर, अपने बच्चों की तकदीर बदलनी है। आपने अपने बच्चों के मुस्तकबल की जंग लड़नी है। आपने फैसला करना है कि क्या ऐसे चलते रहना है या आपने एक नया पाकिस्तान बनाना है, एक ऐसा मुल्क जिसमें आपको आपकी इज्जत हो, जिसमें आपके हकूक हो, जिसमें आपके इंसानों की तरह रह सकें, जिधर अदल और इंसाफ हो। आपने अपने लिए 11 को निकलना। ग्यारह में याद रखना कुरान की आयत है। अल्लाह कहते हैं मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। आपने अपनी हालत बदलने के लिए निकलना है, और ये ना देखना कि कौन सा कैंडिडेट खड़ा है तहरीक इंसाफ का, ये ना देखना। वोट देना नजरिए को और पार्टी के टिकट को। अब तक तबाह किया पाकिस्तान को ये जो शख्सियतों की पॉलिटिक्स है और ये बरादरी और वगैरह वगैरह। तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को वोट देना ताकि हम मिल के एक नया पाकिस्तान बनाए। बस जी नाज़रीन, जी आपने गुफ्तगू सुनी इमरान खान की हॉस्पिटल